जिंदगी चाल चलती है जब, भूली बिसरी तस्वीर से जब, धुंधली धुंधली तहरीर से जब, ख्वाब उलझेंगे ताबीर से जब, बहुत याद आएंगे हम, बहुत याद आएंगे हम। शब की तन्हाइयों में कभी हो, दिन की परछाइयों में कभी, शब की तन्हाइयों में कभी तुमको अपनी छोटी बहन ने अपनी बड़ी बेटी की तरह प्यार किया। तुम्हारी तेवरियां देखता रहता हूं कि तुम्हें तुम्हारे बेटे को हमारी तरफ से कोई परेशानी की कोई शिकायत। मेरा तो ख्याल है कि जुल और समन आरा की खबर ली जा रही होगी, तो एक दिन होना ही था। मां प्लीज अपनी कमेंट्री को अपने पेट के अंदर ही हिफाजत से रहने दे। दिल ने चाहना ही बंद कर दिया है, झिझक भी आती जा रही है। अनपढ़ जो ठहरी, हैदर साहब, हैदर साहब, अरे साहब, मैं महसूस कर रही हूँ जब से समर आरा की तबीयत बिगड़ी है तब से आप किसी एहसास में खोए से रहते हैं। सही फरमाया आपने। मुझे हक है इस एहसास को जानने का। जीनत बेगम, मैं खुद ही बताने वाला हूँ। आपने सवाल करके मुझे अजीब सी मसरत का एहसास कराया। आजकल लफ्ज हक का इस्तेमाल अगर नागवार गुजरा है तो माफी चाहती हूँ। नहीं जीनत बेगम, मेरी हर सांस पर आपका हक है। खुदा आपको सलामत। आपने मेरी घुटन का इजहार करके मुझे इत्मीनान दिला दिया और इस बात का भी एहसास, किसी भी बात की तफसील में जाने से पहले हमें बदमिजाज नहीं होना चाहिए। हैदर साहब, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि बिना समझे आपके गुस्से की वजह से एक थोड़े से दुख को समर आरा की ढेर सारी मसरतों ने आगोश में लेके उसे भला चंगा कर दिया है। अंडा छोटा था इसलिए मैंने इसका सितारा बना दिया। अगर दो अंडे तल देती तो दो अंडों की जर्दी तुम्हारे पेट में चली जाती, और तुम तो जानते हो कि डॉक्टर अंडों की जर्दी खाने से मना करते हैं। तुम्हें तो अंडों की जर्दी क्या, तुम्हें तो अंडों की सफेदी भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वैसे ही तुम्हारे बदन पे इतनी चर्बी है। ये आंखें फाड़ के मुझे क्या देख रहे हो? मैं तुम्हारे हुली के बारे में सोच रहा था, यही कि शिरीन को वैसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि वो जो खेतों में जानवरों को डराने के लिए लकड़ी के पुतलों को नहीं बनाते हैं, जो ऐसे खड़े रहते हैं वैसे, या फिर मलगजी सी शलवार, उधड़ी सुधड़ी, दुपट्टों में गांठें बंधी हुई, आधे बालों की लटे, जो चेहरा देखने ही नहीं देती है, वगैरह वगैरह। ये कपड़े सिर्फ मेरे लिए तरन्नुम बाजी लाई हैं,
ना ही नहीं है बल्कि सीए भी उन्होंने हैं। और मेरे इन बालों को मेरी तरन्नुम बाजी ने डांट डांट कर संवार कर रखने के लिए कहा है। मैंने तो सुना है कि तुम आजकल रात भर पढ़ती हो, सोती नहीं हो। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे सारे जानवर, मुर्गे मुर्गी बंदर बकरियां, सब लोग अलिफ जबर आ और बेजबर बा बोलने लगे होंगे, है ना? मुझे लगता है कि तुम्हारी तरन्नुम बाजी से मुझे भी कुछ पढ़ लेना चाहिए। हाँ, मगर ख्याल रहे, पूरे होशो हवास में आना उनके सामने। अगर जरा सी भी आए बाएं शाएं की तुमने, तुम्हारा तो बातों से ही पेट भर गया होगा ना। इधर लो। मैंने कहा दो मुझे। अरे इधर दो, हमें दो। इधर दो, ये लो, पढ़ो यहां से। रेन बेटे, आप तो कमाल ही करती हैं। पहले तो खुद ही उसके लिए नाश्ता बनाया और फिर जब वो खाने लगा तो खिंचातानी शुरू कर दी। अम्मी, अगर वो इस तरह से अटर पटर करके खाएगा और कहीं उसके सांस अटक गई तो? ये क्या जीनत भाभी, आप हमेशा शीरीन को जालिम और जुल को मजलूम दर्दाने लगती हो। इन दोनों की तकरार सुनकर ही तो मैं यहाँ आई हूँ, और मुझे ये पता था कि ये शोर सुनकर आप भी यहाँ आएंगी, और आपके आते ही जुल हसरत मासूम बन जाएंगे। अरे भाई, कोई है? अरे खाला, आप? और वो भी हमारे गरीब खाने में? अरे आपने मुझे बुला लिया होता। अब आप तो शीरीन की सगी खाला हैं, जीनत चची की सगी बहन। पड़ोसी नहीं, एक ही घर में रह रहे हैं, बस थोड़ी ही दूरियां हैं। नहीं, उस तरफ हैदर चचा, चची, शीरीन, जुलकरनैन और समन आरा फूफी। मैंने गलत तो नहीं कहा? अच्छा, तशरीफ रखिए ना, आइए। नहीं बेटा, यहीं बैठते हैं। अच्छा, इधर उधर आप जहाँ चाहे तशरीफ रख सकती हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? अरे काला, मेरी इतनी मजाल के आपकी किसी बात का बुरा मानो? अब अम्मा कहती थी कि बड़ों का अदब करना कभी ना भूलना। अगर वो गुस्से में ही सही, नागवार खातिर कोई जुमला भी कह जाए तो खबरदार, उन्हें कभी ना टोकना। बेटा थोड़ा पानी पी लो तो वक्फा मिल जाए। नहीं खाला, मुझे प्यास नहीं है और वैसे लगती भी कम है। आपके लिए पानी? अरे अल्लाह, ये मैं क्या कह गई। अम्मा कहती थी कि जब भी कोई बड़ा मेहमान घर में आए तो उनकी जूतियाँ उठाकर खुद रखनी चाहिए। लाइए, मैं उठा लूँ आपकी जूती। अच्छा, आपके लिए शरबत लाऊं? बेटा पानी या शरबत, जो तुम मुनासिब समझो, या फिर जो तुम्हारा दिल चाहे। अरे नहीं खाला, आपकी खुशी पूरा कर अपना फर्ज निभाऊंगी। अब बताइए। अच्छा, आपके पैर दबा दूं? अरे नहीं नहीं बेटा, बस पानी। अच्छा, अभी लाइए। भेजे की सारी नसें हिलाकर रख दी बेटा तूने। ये लीजिए खाला। क्या लेंगी? मैं पानी लूंगी, थोड़ा दम ले लो। अरे खाला, आपके दुश्मनों को कहीं दमी की शिकायत तो नहीं? एनौज, खुदा ना करे। देखो बेटा, अल्लाह गवाह है, मैं बुराई नहीं कर रही। जीनत हैदर साहब की जौजा, कहने को तो मेरी सगी बहन है, मगर वो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी बेटी इस घर में रहे। और वो समर आ रहा, हैदर साहब की सगी बहन, वो भी नहीं चाहती। वैसे तो हमारे पास दो दो कारें और दो दो फ्लैट हैं, चार चार बेडरूम के। तो फिर आप यहाँ? वक्त किसे कब कहाँ पहुँचा दे, कोई नहीं जानता। और आपके शौहर? उन्होंने ही तो मरकर ये सब हाल किया है। बेटा मैं बुराई नहीं कर रही। खाला, आपके खाविन करते क्या थे? बीवियाँ, मेरा मतलब शादियाँ, फिल्मों में पैसा लगाया करते थे। ये तो बहुत ऊंचे रहे होंगे। अरे नहीं, कद उनका दरमियाना ही था। अरे मैं उस पद की बात नहीं कर रही खाला, पैसा तो भरा पड़ा है। क्या भरा पड़ा है? है नहीं, था। लेकिन अभी तो आपने कहा कि आपके दो दो फ्लैट थे।
मुकदमे चल रहे हैं, ताले पड़ गए हैं, हम तो मुंबई भी नहीं जा सकते। लेकिन अभी तो कहा आपके शौहर? शौहर लखनऊ में रहा करते थे हनवट सिंह के बंगले में, और वो मुर्दार उनका पिए हमीद यार खां, ना जाने क्या पट्टी पढ़ाई। बहुत बड़ी फिल्म है, बहुत पैसा लग रहा है, आपको खुद चलकर देखना चाहिए। फिर क्या, मुंबई चले गए और हमारी जिंदगी फना फिल्ला कर गए। क्या बताएं, सुना है किसी ने कौवा खिला दिया और दूसरी ने उल्लू। बस अपने पिए के कहने पर दस्तखत करते रहे और फिर मरकर चले गए। बेटा मैं अब चलती हूँ। कॉफी लाओ लाओ भाई, खानम हुआ। इस वक्त इसकी शदीद तलब महसूस कर रहा था। हैदर साहब तो कॉफी वगैरह में गोलियां मिलाते हैं, आपके लिए शक्कर? नहीं खानम हुआ, हम दोनों के शौक एक ही हैं। ये रही। अरे ये तो यहाँ भी थी। सरकार कुछ और हाजिर करूं? ले ले, बहुत बहुत शुक्रिया। यार हैदर, मेरा ख्याल है मुझे याद आ रहा है, हम दोनों का कॉफी हाउस में कॉफी पीने का प्रोग्राम था। हाँ हाँ सही कह रहे हो तुम यार, मुझे भी याद आया, तुम्हारा जहन से निकल गया। अच्छा ठहरो। अम्मा ये क्या कर रहे हो, कुछ वाही हो क्या? लग? तुम्हारा भी जवाब नहीं, बेचारी खानम कॉफी बना कर लाई। क्या करूं सुल्तान, आजकल मैं भी कुछ चे गैन दाल होता चला जा रहा हूं। यार मेरा भी वैसे ही हाल है जैसा तेरा हाल। अच्छा सुनो, तुम्हारे भतीजे सरवर को सीओ की जॉब का ऑफर आया है। सीओ की जॉब का? सरवर ने क्या कहा? उसने मेरी राय जानना चाहिए। मैं तुम्हारी राय जानना चाहता हूँ। यार अपने बेटे से कहो कि दुनिया के समंदर में अपनी नाव की पतवार खुद चलाते हुए मंजिलें तय करे, अपनी काबिलियत को जांच परख कर बिस्मिल्लाह करे। हमें एक और मसला आन पड़ा है। यार कमाल करते हो तुम भी, अपने आप को तालिबे इल्म मुझे प्रोफेसर बना करके सवाल हल करने की मशीन बना दिया तुमने। कुछ भी कहो यार, खंडर बता रहा इमारत बुलंद है। तमीज बंद करो, मकसद पर आओ। तुम्हारी भतीजी ने कहलवाया है कि वो और जुल एक ही वक्त में यूनिवर्सिटी जाया करते हैं। सही। और हमारा ख्याल है बाहर खड़ी कार पर जितना हमारे बच्चों का हक है ना, तुम्हारा और तुम्हारे बच्चों का भी हक है। यार तरन्नुम के इस फिजूल के मशवरे को तुम्हें मुझे नहीं बताना चाहिए था। यानी कि मेरी तरफ से तुम उसको डांट कर ये कहना कि अपनों में अपनाइयत जताने की हिम्मत अगर उसमें नहीं है तो पढ़ाई लिखाई छोड़ करके कुछ और कर ले। Our national bird is peacock. It is a beautiful creation of God. We must respect our national bird and make effort to save it from getting extinct. भाई वाशिरी, सबसे पहले तुम्हें ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहती हूँ। वो किस लिए बाजी? वो इसलिए क्योंकि तुम हर आने वाले दिन अपनी पढ़ाई के सिलसिले में कमाल हासिल करती जाती हो। इसका सहरा आपके सर बनता है बाजी। अच्छा, वैसे चचा गालिब ने ऐसे ही वक्तों के लिए कुछ आशार कहे हैं। हाथों से बजा करती है ताली गालिब। चचा गालिब का नाम तो सुना है ना? क्या बाजी, आप भी ना, खुशी की बातें चल रही हैं और फिर मुझे गमगीन करना जरूरी है? अच्छा शीरी, मेरी बात गौर से सुनो। हमारी जिंदगी की बुनियाद दो लफ्ज हैं, खुशी और गम।
चोली दामन के साथी हैं। इनमें से कोई भी बाहर से नहीं आता। ये तुम्हारे हमारे हर शख्स के अंदर बसते हैं। अब तुमने बराबर सुना होगा कि फला ने हमें बहुत गम दिए, या फिर भाई वाह, आपने हमें खुशियों से मालामाल कर दिया। ये सब हमारी सोच का नजरिया है, हम किस बात को किस जाविये से लेते हैं। वो बात ये है कि बाजी, अब ये गोया के चुनाचे वाली बात का अंदाज आपस में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सीधा बोलोगी तो उसकी सदाकत का असर ऐसा होगा कि सामने वाले से जवाब तुम्हें तुम्हारी मर्जी का मिल सकता है। बाजी, मैं ये चाहती हूँ कि जब तक पढ़ाई लिखाई के बारे में मैं सही जवाब देने के काबिल न बन जाऊं, तब तक इस पढ़ाई लिखाई का ढिंढोरा मैं किसी से नहीं पीटूंगी। मैं तुमको तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा समझने लगी हूँ शिरीन। मेरी ये वाली शिरीन वो पहले वाली झाबड़ झिल्ली खिल्ले बोले वाली शिरीन नहीं है। एक आम मोटी मिसाल देकर ये गुफ्तगु खत्म करना चाहूंगी कि जब हाथी अपना रास्ता तय करता है तो उसकी राह में बेशुमार कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी की रफ्तार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा बाजी, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अल्लाह हाफिज। बहुत बिजी हो? आइए बैठिए भैया, वो मैं शिरीन का सबब जांच रही थी। भैया, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी को ऐसी रफ्तार भरते नहीं देखा। वाओ, क्या बात है। अरे वाह, अरे आज सुना है कि फौकन साहिबा ने आपको खूब पकाया। हाँ भैया, अब तुम्हारी बहन हूँ, तिगनी का नाच नचा दिया उनको। सुनाओ। नहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजधानी स्पीड, मैं समझ गया। फौकन साहिबा एक बहुत बड़े फिल्म फाइनेंसर की बीवी रही है और उनकी बेटी नसीम अपने वालिद से बहुत नफरत करती है। हाँ, लेकिन उनके वालिद का तो इंतकाल हो चुका है ना? वो तो तभी हो चुका था नसीम के लिए जब वो लखनऊ छोड़कर मुंबई चले गए। जनाब, आप एक बात बताने की जहमत करेंगे कि नसीम आरा से ये तफसीली मुलाकात कब, कहां और कैसे हुई? अब वो और एक इम्पोर्टेंट सवाल तो रह ही गया। क्या यही ना कि ये मुलाकात सिर्फ दोस्ती तक महदूद थी या फिर मेरी प्यारी सी छोटी सी कम अकल वाली बहन तरन्नुम, पापा तो अब्बा हैं और मैंने तुम्हें माँ माना है, और जब भी किसी को आपकी भाभी की नजर से देखूंगा ना, तो सबसे पहले इस प्यारी सी गुड़िया को बताऊंगा। हाँ, सलामत रहो, बाल बुलंद रहे। तारी दुआएं आज ही दे देंगे या कल के लिए भी कुछ रखेंगे? मेरी बेटी ने तो सुबह सुबह दीदार करा के हमारा सारा दिन संवार दिया। बाजी तो गालिबन मशगूल होंगी। नहीं बेटा, आप बैठे। नहीं नहीं चाचा जान, मुझे कौन सा दफ्तर जाना है, बाजी जाने की तैयारी कर रही होंगी, मैं फिर आऊंगी। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा।
क्या हुआ था रेनु, ये कुछ बीमार हो गई क्या? नहीं, दरअसल कुछ दिन से बेचारी शिकायत कर रही थी, मैंने तवज्जो नहीं दी तो शायद रूठ गई है। अच्छा, फिर क्या होगा अब? अरे भाई, आप तो बड़े से बड़े मार के चुटकी बजाते सही कर लेते हैं। मैंने बाबा से इस बारे में जिक्र किया था, उन्होंने हैदर चचा से जिक्र कर दिया। कार का रूठना, बाबा से शिकायत, मामू जान से तस्करा, खुदारा पहेलियां ना बुझाओ, सही सही बताओ क्या क्या बात क्या है? आप कोशिश कीजिए मनाने की। यार टाइम भी बहुत हो गया और इस वक्त कुछ और सवारी भी नहीं मिलेगी। चलो लाओ मैं देखता हूँ। स्टार्ट हो गई तो चलो सीट बेल्ट बांध लो, बहुत जरूरी होता है। आज तुमने मेरी कसम तोड़वा दी। झूठ बोले कौवा काटे, यानी झूठ बोलना पूरी बात है। याद आया? मैं समझा नहीं। मैं समझा देती हूँ। दरअसल आपको एक दिन किसी जरूरी काम से बाहर जाना था, तब मैंने आपको गाड़ी की चाबी देते हुए कहा कि इसे ले जाइए, तो आपने बड़ी सफाई से फरमाया कि मुझे गाड़ी चलाना नहीं आता, जबकि मुझे पूरा यकीन था कि आप जैसी हस्ती को ड्राइविंग ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। हाफिजा माशाल्लाह से बहुत अच्छा है आपका। अब कसम भी याद दिलाई देती हूँ भाई, मैं तब तक ड्राइव नहीं करूँगा जब तक मैं खुद की गाड़ी ना ले लूँ, है ना? आपकी इत्तला के लिए बता दें कि हैदर चाचा ने कहला भेजा है कि अगर हमें अपनों को अपनायत का एहसास कराने की हिम्मत और काबिलियत नहीं तो पढ़ाई लिखाई फजूल है। अपनायत की ये बिस्मिल्लाह कैसी रही जनाब? आदाब अर्ज है, बहुत अच्छी रही। एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? बिल्कुल, इसीलिए तो रोकी हमने। सच सच ईमानदारी के साथ जवाब देंगे आप? पर आपको पता कैसे चलेगा कि जो सवाल आपने हमसे पूछा है उसका जवाब हमने सच दिया है या आप झूठ? दरअसल बात यकीन और एहतिकाद की होती है जुल साहब। अब आप शीरीन को ही ले लीजिए, हमें ज्यादा वक्त नहीं हुआ है एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को जाने। भाई मुझे वो इस कदर प्यारी लगती है कि मैं हर वक्त ये सोचती हूँ कि ऐसा क्या करूँ जिससे वो खुशी खुशी चटाक पटाक बातें करती रहे। मतलब ये कि आपके पास मेरे लिए कोई राय नहीं? बात यकीन और एहतिकाद की हो रही है। हाँ वही तो। वही तो क्या भाई? आपने फरमाया कि सच और ईमानदारी के साथ मैं आपको जवाब दूँ। अरे तो उसी सिलसिले में तो मैंने यकीन और एहतिकाद की बात की। मगर आपने इन दोनों लफ्जों को अपने और शीरीन से जोड़कर हमें बताया। अच्छा अब ये बताइए कि बात चल किस सिलसिले में रही थी? मेरे और तस्करा क्या हो रहा था? भाई सच और ईमानदारी के साथ जवाब देने का। इसके बाद भी आपको शिकवा है कि आपका जिक्र नहीं हुआ। अब जनाब कभी हमारे बारे में भी सोच लिया कीजिए, तरन्नुम हवा में तीर नहीं चलाती। भाई मेरे एक बात समझ में नहीं आती। क्या भाई? वो कि अब आपने साइंस क्यों ली और फिर आप अभी डॉक्टर बन जाएंगी? डॉक्टर बनने के बाद आपको मरीजों को दुश्मनों की तरह पकड़ना पड़ेगा। वो तेज तेज औजार आपको केक काटने के लिए नहीं बल्कि इंसानी जिस्म को काटना पड़ेगा। अब देखिए, जिस्म इंसान का हो या जानवर का, डॉक्टर दवाई के या फिर ऑपरेशन के जरिए बेकार हिस्से को निकाल फेंकने के बाद मरीज एक बार फिर खुशनुमा जिंदगी हंसी खुशी जीने लगता है। भाई कभी कभी तो निकल भी जाते हैं। हाँ लेकिन जीना मरना तो बरहक है, मौत तो चलते फिरते उठते बैठते कभी भी आ सकती है। अब आप देखिए हमारी साइंस कितनी आगे जा चुकी है, 50-60 साल पहले की बात अगर करें तो आप देखेंगे कि ज्यादातर ये पता ही नहीं चलता था कि क्या बीमारी है
और उसका इलाज कैसे होगा? बाखुदा तरन्नुम, हम आपकी किसी भी चीज की बुराई नहीं कर रहे। अरे अरे अरे, आप ये फौकन खाला का तकिया कलाम क्यों अपनाने लगे? कुछ वक्त का पता है आपको, कितनी देर हो गई हमें यहाँ बैठे बैठे? ओह यस, पता ही नहीं चला। और बेचारी हमारी गाड़ी हमारी राह देख देख कर थक गई होगी। चलो चलते हैं। बाजी, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। आपने जो मुझे आलिम और फाजिल बनाने का बीड़ा उठाया है, तो क्या आपकी उम्मीद तो टूटती नजर नहीं आती? शिरीन, सच पूछो तो मुझे कभी कभी समझ में नहीं आता। बाजी, खुदाया बताइए ना, यही कि तुम्हें दादो तहसीन किस बात पर दूं? सबक ऐसे याद कर लेती हो जैसे अफसाना निगार के दिमाग में प्लॉट कलम से दरख्वास्त कर रहा हो कि मुझे कागज पर लेकर एक जिंदगी दे दो। गुस्ताखी माफ तरन्नुम साहिबा, ये क्या कर रही हैं आप? शिरीन जैसी अकलमंद, होनहार, तेज तर्रार, सलीका शुआर जो अपने हाथों में हर वक्त लिए जुल्फिकार। अपने दोनों कानों को बकायदा अच्छी तरीके से साफ करके सुन लो कि मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई शदीद हादसा गुजरे जिसके बाद तुम हाथ मलते फिरो या फिर फरियाद करते फिरो या फिर हमारी बाजी के साथ। खैर करे लफ्ज हमारी बाजी पर, तुम मरते भी नहीं हो ना कि मेरा पीछा छूटे। शीन, गलत बात, ऐसे बुरे अल्फाज मुंह से नहीं निकालते। बाजी, आप इसे नहीं जानती हैं, ये जो आपके सामने गुरबे मस्कीन बड़े नजर आते हैं ना, इन्हें मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। इबलीस के हर राज की हिफाजत इन्हीं के जिम्मे। मेरे खंजर ने जो तुम्हें जख्मी किया था शायद तुम भूल गए हो। नहीं नहीं, मुझे याद है भाई, बहुत अच्छे से याद आ गया मुझे।